हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो जैसे मेरा एक्सपर्टीज़ है हेल्थ केयर और हेल्थ इंश्योरेंस, दोस्तों मैं आज आपको हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर और हॉस्पिटल्स में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कोरोना के दौर में हालांकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद हुए हैं, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर अभी भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नए लोगों के लिए भी, और इवन जो स्विचेस कर रहे हैं जॉब उनके लिए भी। तो हम दोस्तों एक एक करके दोनों सेक्टर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, सो दैट उन लोगों को फ़ायदा मिले जिनको हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम पहले हॉस्पिटल से शुरुआत करते हैं। हॉस्पिटल्स में दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेज या टेक्नीशियंस ही काम करते हैं। अगर हम नॉन क्लिनिकल प्रोफाइल्स की भी बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोफाइल्स हॉस्पिटल्स में निकल के आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट ऑफिस से। फ्रंट ऑफिस वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे पेशेंट या अटेंडेंट सबसे पहले इंटरेक्ट करता है, आइदर उसको ओपीडी में जाना हो या एडमिशन के लिए जाना हो। तो फ्रंट ऑफिस में भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन काम करती है दोस्तों। अगर हम एग्जीक्यूटिव लेवल से स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद एक कोई उनका टीम लीडर होता है, टीम लीडर के बाद असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से एक अपने आप हॉस्पिटल के एक डिपार्टमेंट में कम से कम 4 से 5 तरह के प्रोफाइल्स होते हैं। उसके अलावा हम अगर दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें जिसको हम बिलिंग एंड टीपी डिपार्टमेंट कह सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बिलिंग एक्सपर्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या जैसे टीपीए जिनको थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस का नॉलेज है, वो टीपीए डेस्क में काम करते हैं, तो वहाँ पे भी टीपीए डेस्क में टीपीए एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बिलिंग में बिलिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है। तो आप एक टीपी मैनेजर भी होगा, एक बिलिंग मैनेजर भी होगा। तो इस तरह से इन डिपार्टमेंट्स में भी कई सारे प्रोफाइल्स निकल के आ जाते हैं और फिर एक एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी होता है। तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हम एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे आपको एडमिशन डेस्क पे फाइनेंशियल काउंसलर्स बैठे होते हैं जो आपको आने वाले खर्चों की डिटेल, बीमारी पे किसमें क्या लगता है, उस सब की डिटेल बता रहे होते हैं। उसके अलावा एक और प्रोफाइल होता है जिसको एडमिशन एंड बेड मैनेजर कहते हैं, क्योंकि किसी बड़े हॉस्पिटल में बहुत सारे बेड्स हैं तो कब बेड कौन सा खाली हो रहा है, कब किस बेड पे किस पेशेंट को लेना होता है, तो ये भी एक बेड मैनेजर का प्रोफाइल होता है। उसके अलावा एक और डिपार्टमेंट होता है जिसमें लेट्स से जो क्रेडिट बिलिंग वाला डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे वो एक्सपर्ट होते हैं कि भाई सीजीएचएस की बिलिंग कौन कैसे करेगा, ईसीजीएस की बिलिंग कोई कैसे करेगा, ईएसआई की बिलिंग कैसे करेगा। तो इस तरह की बिलिंग के लिए भी जो है वो अलग सेल होता है जिसमें इस तरह के लोग एग्जीक्यूटिव लेवल से लेकर मैनेजर लेवल तक काम कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्विस क्वालिटी के बारे में। तो जैसे एक कंप्लेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो लोगों की फीडबैक कलेक्ट करता है, उसी अकॉर्डिंग लोगों को रेस्पॉन्स देता है, क्वेरीज के आंसर करता है, और अगर कंप्लेंट्स है तो उनको रिजोल्व कराता है। तो ये सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पे भी कई सारे प्रोफाइल्स निकल के आ जाते हैं। तो एक मेडिकल क्वालिटी भी डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल को अभी NABH या JCI करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए भी एक टीम जो है वो मैनेज कर रही होती है इस डिपार्टमेंट को, जो सारे के सारे क्वालिटी इंडिकेटर्स, जो मेडिकल क्वालिटी इंडिकेटर्स होती हैं उनको ट्रैक करते हैं और उसके बेस पे अपनी इनपुट्स देते हैं फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। और इसके अलावा आजकल एक नया रोल डेवलप हो गया है जिसको हम इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर कहते हैं, क्योंकि आज कोरोना के दौर में आपको एंट्री पॉइंट से लेके एग्जिट पॉइंट तक हर एक लेवल पे देखना होता है कि ये प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, और हम इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक नया रोल हॉस्पिटल्स में एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर निकल के आया है। उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारे मशीन्स, इक्विपमेंट्स ये सब यूज़ करते हैं, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है और वहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है हॉस्पिटल्स में जो शायद बहुत सारे लोग एक्सप्लोर नहीं करते। इसके अलावा एक मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि मेंटेनेंस का काम तो रोज़ चलता ही रहता है हॉस्पिटल्स में, कुछ इधर कुछ कहीं इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं प्लम्बिंग है, कहीं पर बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम है, तो वो भी एक 2-3 रोल वहाँ पे एक अच्छी खासी 3-4 लोगों की टीम होती है एक हॉस्पिटल में जो ये प्रोफाइल्स निकल के आते हैं जिसमें। उसके अलावा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो हर जगह होता है, हर इंडस्ट्री में होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेके असिस्टेंट मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, मैनेजर सेल्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, नॉट ओनली सेल्स, उसमें आपका मार्केटिंग का भी सेम प्रोफाइल्स निकल के आते हैं। जो लोग ब्रांडिंग में, जो क्रिएटिव हैं, जिनको ब्रांड प्रमोशंस में अच्छा करने का मन है, तो वो ये सारे प्रोफाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो बड़े कॉमन है हर जगह, एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस होता ही है, तो यहाँ पे वो सारे प्रोफाइल्स होते हैं जो सारे इंडस्ट्रीज़ में होते हैं।
एक F&B डिपार्टमेंट भी यहाँ पे चलता है, क्योंकि आपको पेशेंट्स का फूड एंड बेवरेजेस का भी ख्याल रखना पड़ता है, या अटेंडेंट्स का या स्टाफ का। तो एक ये भी बड़ा डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे शेफ से लेके आपका F&B मैनेजर्स, डाइटिशियंस, इस तरह के काफ़ी रोल्स निकल के आते हैं। तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की थी हॉस्पिटल्स की। अब अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे रोल निकल के आते हैं, और दोनों ही, क्लिनिकल भी नॉन क्लिनिकल भी। तो देखते रहिए, इस वीडियो को देखना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। सो हेल्थ इंश्योरेंस में भी, इंश्योरेंस में और TPS में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से प्रोफाइल्स होते हैं। तो वहाँ पे क्लेम प्रोसेसर्स होते हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं। एक कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की टीम होती है, और एक रीइंबर्समेंट एंड क्लेम प्रोसेसिंग होती है। बड़ा डिपार्टमेंट होता है, तो बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। मेडिकल डॉक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बहुत सारे सपोर्ट मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि जो मेडिकल पार्ट है वो तो डॉक्टर्स देखते हैं, लेकिन जो अदर देन मेडिकल पार्ट है, जो पॉलिसी की अदर टर्म्स कंडीशंस हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स भी उनको हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। कॉल सेंटर का अपना यहाँ पे एक बड़ा रोल होता है। कॉल सेंटर की बड़ी सारी पोजीशंस होती हैं, क्योंकि आपको हॉस्पिटल से रेगुलर कॉल्स आ रही होती हैं, या कस्टमर से रेगुलर कॉल्स आ रही होती हैं। उसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, जैसे हर इंडस्ट्री में होता है। HR है, जैसे हर इंडस्ट्री में होता है। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस स्पेसिफिक बात करें, तो एक रोल होता है जिसको हम कहते हैं पॉलिसी अंडररराइटर्स की। क्योंकि जो लोग पॉलिसी लिखते हैं, तो वो प्रीवियस डेटा की बेस पे डिसीजंस लेते हैं कि किस एज ग्रुप पे, किस एरिया में किस तरह की पॉलिसीज बिकनी चाहिए, तो वो अंडरराइट करते हैं पॉलिसीज। एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको हम ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। तो ये लोग उन क्लेम्स को ऑडिट करते हैं जो डाउटफुल क्लेम्स होते हैं, कि किसी ने कोई फ्रॉड क्लेम तो नहीं डाला है, या एक जाके क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। हॉस्पिटल्स में विजिट भी करती है इनकी टीम, टू फाइंड आउट कि सब कुछ ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, आपके जो विजिटर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं हिमसेल्फ, वहाँ पे आपका ऑडिट इन्वेस्टिगेशन मैनेजर हो सकता है। तो इस तरह के प्रोफाइल्स यहाँ पे निकल के आते हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे MIS एक टीम होती है जो आपको एनालिटिक्स देती है, किस एरिया में कितना क्लेम गया, कहाँ से कितना क्लेम आया, किस डिजीज पे कितना क्लेम गया, तो इस तरह का एक एनालिटिक्स टीम भी होती है। प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो नए नए प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, और जो कहीं ना कहीं वो अंडररराइटर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। देन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो पूरे का पूरा खेल ही है कि आप कितने प्रोडक्ट्स बेच देते हैं। तो जितना आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना आपका बिजनेस अच्छा होगा। तो वहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग टीम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। प्रमोशंस होते हैं, आप नए नए बड़े बड़े एड्स देखते होंगे बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज के, तो ब्रांडिंग प्रमोशंस में ये लोग काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी। उसके अलावा जो एक नेटवर्किंग डिपार्टमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनीज TPS में, जो हॉस्पिटल्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं, कहीं क्योंकि डिले तो नहीं हो रहा है उनको, क्योंकि बिजनेस मिल रहा है हॉस्पिटल्स के थ्रू, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, नेटवर्किंग मैनेजर्स होते हैं, नेटवर्किंग का एक पूरा बड़ा डिपार्टमेंट होता है। वो ध्यान रखते हैं कि सब कुछ एज पर पॉलिसीज हो रहा है, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है, और ये काम कर रहे होते हैं क्लेम प्रोसेसिंग यूनिट और हॉस्पिटल्स के बीच में। दोनों तरफ से इनको इनपुट्स मिलते हैं, और अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस देते हैं या हेल्प करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि अगर आप जॉब सीकर हैं, और अगर आपको इस वीडियो को देखने से कहीं फर्दर एक्सप्लोर करने में मदद मिल जाती है, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। धन्यवाद।